सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग डी एल एस। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आप सबको। और अभी बज रहा है, आई थिंक सो 9 बज रहा है, 9:30 हो रहा होगा। और मैं आपको बोली थी कि कल मैं एक ऐसे नाश्ते का रेसिपी दूंगी जो इंस्टेंट पे बन जाए, हेल्दी भी रहे और टेस्टी भी लगे, 3-in-1। तो एक ही डिश में 3 क्वालिटी। तो आज मैं ले आई, तो ये है सूजी। सबसे पहले सूजी को मैंने रात भर भिगोने के लिए छोड़ दिया था ताकि ये बहुत सॉफ्ट हो जाए एकदम। इसका डो देखिए आप, एकदम बहुत अच्छा, एकदम सॉफ्ट डो हो गया। और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा प्याज, थोड़ा नहीं एकदम, मैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही प्याज खाती हूँ, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही डालूँगी। फिर इसमें मैं ऐड करूँगी एकदम बारीक, इसमें सारा चीज़ ऐड हो गया, क्योंकि बारीक कटा हुआ प्याज भी बारीक कटा हुआ, टमाटर भी बारीक कटा हुआ एकदम। इसमें धनिया पत्ता भी पड़ेगा, ये ग्रीन चिली, फिर धनिया पत्ता। तो अब इसमें एकदम स्वाद अनुसार नमक, और याद रहे इसमें एकदम हल्का ही नमक जाता है। ये ऐसा डिश है जो कि हल्का मीठा मीठा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो पहले इसको मिक्स करके तब दिखाते हैं आपको। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, आप लोग देखो। और इसको अभी मैं 10 मिनट तक छोड़ दूंगी, जो नमक है सारे सब्जी को एब्जॉर्ब कर लें, सारे सब्जी नमक को एब्जॉर्ब कर लें, और फिर इसके बाद बनाऊँगी। तो बनाने टाइम आपको दिखाऊँगी। तो ये अपे वाला स्टैंड में तेल रिफाइन ऑयल डाल दिए, अब इसमें डालूंगी वो। और हाँ, इसका बैटर याद रहे इससे ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए या इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो, एकदम एग्जैक्ट यही कंसिस्टेंसी होना चाहिए ताकि बहुत बहुत अच्छी तरीके से पक जाए। तो अब मैं इसको इसमें ट्रांसफ़र करूँगी और बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी है ये, आप हर कोई ट्राई करना एंड एक बार ज़रूर ट्राई करना। मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ, नहीं पसंद आया तो आप कमेंट करके बताना। बहुत ही हेल्दी है, स्पेशली अब बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा फरमाइश होता है, मम्मा मेरे को लंच में ये देना, मम्मा मेरे को ये देना, तो उसके लिए ये बेस्ट है। तो अब मैं इसको ढक दूंगी और इसको एकदम कम फ्लेम पे पकने दूंगी 5 मिनट, उसके बाद इसको पलटूंगी। तो ये हो गया होगा ऑलमोस्ट, पीछे का पूरा पक गया होगा। फिर इसको एकदम स्पून के सहारे से देखो कितने एकदम अच्छे से ये निकल गया। तो इसी तरीके से पूरे को ऐसे करेंगे ताकि दूसरे साइड भी पक जाए अच्छे से। पहले सबको एक साइड कर दे, उसके बाद दिखाते हैं। तो ये इसको पलट दिए पूरी तरह से, अब ये पक जाएगा 1 से 2 मिनट में, फिर इसको सर्व करते तब दिखाते हैं। मम्मी बना रही है आज चिकन, आज मेरे को मम्मी के हाथ का चिकन खाने का मन कर रहा था, तो मैं बना बोली मम्मी तुम बनाओ मैं खाऊँ। हाँ मम्मी, मतलब मोस्टली मैं ही बनाती हूँ चिकन, लेकिन कभी कभी मम्मी बनाती तो बहुत 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 टेस्टी बनाती है, तो इसीलिए आज हम स्पेशली डिमांड किए मम्मी तुम बना। मैं बोले हम ढेर दिन से नहीं बनाते हैं तो मन नहीं कर रहा है, तुम्हें बनाओ ना, हमको खाने का मन कर रहा है, तो वही बनाइए। और सुबह का अपे बचा हुआ है तो भी मैं भी खाती हूँ, मम्मी को भी खिलाती हूँ। तो मम्मी का ही सर लो खा लो। अरे मम्मी बहुत शाई पर्सन है, चलो खा के मिलता है। ये देखो मेरी मम्मी का फरमाइश, उसको नमक तेल रोटी खाने का मन कर रहा है, तो उसको पहले देखते हैं कौन कौन ऐसे खाता है। मेरी मम्मी को पता नहीं इंस्टेंट उनको मन करता है, और बना रही है चिकन, तो मैं बोली कि चिकन साथ खा लो, नहीं नहीं मेरे को नमक रोटी ही खाना है, तो पहले देख कर आते हैं। तो अभी रात के बज गए हैं, आप लोग घड़ी देखो,
का हो गया है 11 बजने वाला, बस 15 मिनट बाकी है। और अभी मेरा एकदम बहुत हालत ख़राब हो चुका है, मेरा गैस हो गया एकदम इस तरीके का, एकदम पूरा जल गया है। एक तो अभी साफ़ कर लिए, अभी है इसमें अभी फिर भी, इसको अच्छी तरीके से और इसको साफ़ करके मैं आपको दिखाती हूँ बिफ़ोर एंड आफ्टर। एंड बहुत इसका, इसको मेरे को छुराने में बहुत मेहनत लगने वाला। ये अक्सर हो जाता है बैगन का, वो बैगन पकाते हैं तो उसका जो रस होता है वो गिर के इस तरीके से हो जाता है, और सीरियसली बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए मेरे को मन नहीं करता ऐसे बनाने को। तो अभी 11 बजे रात का यही मेरा टास्क है सबसे बड़ा, क्योंकि मॉर्निंग में उठने के बाद नाश्ता ही बनाने के, नाश्ता पे ही फोकस रहता है पूरा माइंड, तो नहीं हो पाएगा मॉर्निंग में, अभी पहले करते हैं, तब आपसे मिलते हैं। तो फाइनली मैं अपने गैस को एकदम पूरी तरह से क्लीन कर दी, और ये देखो रिजल्ट, एंड एक भी ये नहीं है, थोड़ा बहुत का मैं नहीं बोल सकती, मैं सारे अच्छे तरीके से क्लीन कर दी थी। हाँ फिर अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते कल अच्छे नए और भी प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।